महावीर जयंती के अवसर पर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर से भगवान महावीर की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहले उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने भगवान महावीर की पूजा अर्चना कर रथ को खींचकर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया, जो कि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर से निकलकर आर्यनगर बख्शीपुर टाउन हॉल गोलघर एवं महावीर मार्ग होते हुए दोबारा मंदिर पर आकर समाप्त हो गया। आपको बता दें कि इस शोभा यात्रा में स्कूल के छात्र व छात्राएं, महिलाएं और बैंड बाजा घोड़ा भी शामिल थे, जो कि भगवान महावीर का जयकारा लगाते हुए चल रहे थे। वहीं मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने कहा कि आज भगवान महावीर की 2631वीं जयंती है, जो कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। उन्होंने जियो और जीनो दो का नारा लगाया था, जिससे कि सभी लोग प्रेरित थे। इस समय की वर्तमान केंद्र की मोदी सरकार व प्रदेश की योगी सरकार भी उसी राह पर चल रही है, जो कि लोगों को जीने की राह दिखा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सांसद हुआ करते थे, तब वो स्वयं इस शोभा यात्रा में शामिल होते थे और भगवान महावीर का रथ खींचते थे, लेकिन अब सीएम बनने के बाद व्यवस्था की वजह से शामिल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन उनके मार्गदर्शन में हम लोग हर वर्ष ये शोभा यात्रा निकालते हैं। प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने कहा, मैं आज पार्श्व भगवान दिगंबर महावीर की जयंती पर, जो कि आज इनकी 2631वीं जयंती पर मैं उपस्थित हुआ हूं और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र होने के नाते आज स्वाभाविक रूप से गोरखपुर में मैं आया हूं अपने कारभार को प्रारंभ करने के लिए, और मेरे लिए बड़ा सुखद संयोग है कि भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन महाराज की जन्म जयंती है और इसी अवसर पर मैं आया हूं, उनकी रथ यात्रा में हम लोग सहभागी होंगे। मैं इस भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान, जो हमारे इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने जो संकल्प लिया है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का और समाज के सबकी चिंता करने का, आप उनको शक्ति दें और हम भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग समाज की सेवा में निरंतर लगे रहें। और स्वाभाविक तौर पे आज इस अवसर पर मैं पूरे गोरखपुर क्षेत्रवासियों को साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को इनके जयंती पर ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको एक शक्ति दें जिससे हम समाज की सेवा कर सकें। भगवान महावीर स्वामी की जन्म कल्याणक 2631वीं जयंती है और पूरे भारतवर्ष में बहुत जोश को से साथ मनाई जा रही है। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इन्होंने सत्य और अहिंसा और जियो और जीने दो का संदेश दिया था, जो विश्व में आज एक कीर्तिमान स्थापित किए हुए है, और आज इसकी नितांत आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य आज हमारे मोदी जी, उनका भी यही सोच है कि लोगों को, हम अगर जीते हैं तो लोगों को भी जीने की राह दिखावें। आज नीचे स्तर तक के गरीबों को तमाम मकान, शौचालय और बहुत से जिनको अन्न नहीं मिल रहा है उनको अन्न दे रहे हैं। ऐसे भगवान महावीर का जो उपदेश है, जियो और जीने दो, उसको हमारे परम पूज्य आदरणीय मोदी जी चरितार्थ कर रहे हैं। हमारे योगी जी जो है वो भी उसी राह पर चल करके, पहले हमारे योगी जी मुख्यमंत्री जब नहीं थे, निश्चित रूप से हर साल वो रथ खींचने यहाँ पर आते थे, मंदिर में आते थे, दर्शन करते थे, लेकिन उनकी व्यस्तता हो गई। आज मुख्यमंत्री हो गए
समय नहीं है, इसलिए वो हमारे बीच नहीं आए हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त है। आज हमारे बीच गोरखपुर क्षेत्र के नए अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय सहजानंद राय जी आज हमारे मंदिर जैन मंदिर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में पूरी टीम के साथ आदरणीय महानगर राजेश जी, राहुल जी और समेत तमाम हमारे जो है पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के सभी सीनियर लीडर यहाँ पर आए हुए हैं और आज मंदिर में आकर के आप लोगों ने दर्शन किया और निश्चित रूप से एक जो कार्य शुरू होने जा रहा है आपके सहजानंद राय जी के क्षेत्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, तो निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी और आज का दर्शन भगवान महावीर के जन कल्याणक पर यह अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो निश्चित रूप से देशवासियों को और हमारे क्षेत्रवासियों को निश्चित रूप से आगे बढ़ने में एक आज का दिन महत्वपूर्ण कदम है और इसमें सब लोगों को आज महावीर जयंती के शुभ अवसर पर मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि सबका जीवन सुखमय हो, सब लोग अच्छे से रहें और लोगों की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भगवान महावीर के चरणों का वंदन करते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ।